Hey guys, welcome back to my channel Rashmi's Veggies Junction. Hope you all are doing well. So today I am making very quick, easy and delicious recipe, red velvet mug cake. You all will definitely enjoy this recipe. So without wasting any time, let's get started. Red velvet mug cake बनाने के लिए मैंने half cup cream cheese लिया है और इसमें 2 tablespoon पिसी हुई sugar add की. इसको sugar को हमको अच्छे तरीके से mix करना है cream cheese में. क्रीम चीज बनाने की रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं. हालांकि आजकल क्रीम चीज मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, पर घर पे भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है. ये होममेड क्रीम चीज ही है, तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए. साथ में मैंने ये एक मग लिया है जो कि माइक्रोवेव सेफ है, और इसके लिए हमको माइक्रोवेव सेफ मग का ही यूज़ करना है. अब इसमें मैंने 1/4 कप मैदा या ऑल पर्पज़ फ्लोर डाला, साथ में 2 टेबलस्पून पिसी हुई शुगर ऐड की, 1 टीस्पून इसमें कोको पाउडर ऐड किया और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया. साथ में मैंने एक बाउल में 3 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पे मिल्क लिया, उसमें 1/2 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे. और ये जो हमारा ड्राई मिक्सचर है, इसको हम अच्छे तरीके से पहले ड्राई मिक्स करेंगे. ये देखिए, साथ में फिर इसमें 1.5 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड किया, और ऑयल डालने के बाद भी हमको इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है. और मिक्स होने के बाद अब इसमें हमारा जो हमने मिल्क में विनेगर मिला के रखा था, उस कर्डल मिल्क को हमको इसमें डालना है. तो इसको डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स करेंगे. और ये देखिए, हमारा पूरा बैटर बन के रेडी हो गया है. इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया इसको, और अब इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, रेड फूड कलर ऐड करेंगे. तो इसको मैंने लगभग 1 टीस्पून ऐड किया है. आप किस ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप इससे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं. तो ये मैंने इस कलर को पूरा ऐड कर दिया इसमें, और साथ में ये जो क्रीम चीज़ है इसको भी 1 टेबलस्पून डाला, और ऊपर से हमने बैटर को इस तरीके से स्पून से डाल देना है जिससे कि क्रीम चीज़ सेंटर में चला जाएगा. तो ये एक पूरा एक मग रेडी हो गया है. इसी तरीके से मैंने एक दूसरा मग भी रेडी कर लिया था साथ ही साथ में. अब इनको हम माइक्रोवेव में रख देंगे. माइक्रोवेव में इनको मैंने रखा है, और साथ में अब इसको हमको 2 मिनट्स और 30 सेकेंड्स के लिए सेट करना है. माइक्रो मोड पे 2 मिनट्स और 30 सेकेंड्स के लिए हमने सेट कर देना है. हो सकता है आपके माइक्रोवेव में ये 2 मिनट में भी बन जाए, तो आप 2:30 के लिए सेट कर दीजिएगा, और अगर जल्दी बन जाता है तो उस पर पहले ही आप माइक्रोवेव को बंद कर दीजिएगा. तो हमारे मग केक बनके रेडी हो गए हैं, लेकिन इसमें से एक मग केक कम फूला है. वो इसका कारण ये है कि ये मग केक मैं आपको बता रही थी किस तरीके से बनाना है, तो इसमें पहले ही मैंने विनेगर और बेकिंग पाउडर मिला दिया और उनका रिएक्शन हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो जिसके कारण केक फूलता है. और दूसरा मैंने बाद में मिलाया तो वो बहुत अच्छा फूला है. तो ये गलती आप मत करिएगा, जब विनेगर और बेकिंग पाउडर मिलाते हैं इमीडिएट उसको हमको माइक्रोवेव में रखना होता है. तो एक केक की टॉपिंग मैंने वनीला आइसक्रीम से की, और दूसरे की मैंने क्रीम चीज़ से की, और साथ में मैंने इस वनीला आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट सिरप ड्रिजल किया, और ये मेरे पास में कुछ स्प्रिंकल्स थे उनको भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया. तो स्प्रिंकल्स और चॉकलेट सिरप वगैरह ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं. अब मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ. देखिए कितना बढ़िया मग केक बनके रेडी हुआ है. तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल बटन भी जरूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी. तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय.